नोटबंदी के विरोध में कांग्रेसी वर्करों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर नारेबाजी की। नोटबंदी को 2 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन नोटबंदी पर विरोध लगातार जारी है। आज जहां फिरोजपुर में जिला कांग्रेस की तरफ से नोटबंदी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया, वहीं कांग्रेसी वर्करों द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर फिरोजपुर कांग्रेस के जिला प्रधान चमकौर सिंह ढींडसा ने बताया कि आज जिला कांग्रेस की तरफ से नोटबंदी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं और अभी भी लाइनों में अपने पैसे लेने के लिए खड़े हैं। जहां लोगों की परेशानी दूर नहीं हो रही, वहीं किसानों की फसलों की लागत के भाव भी नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते आज केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई गरीब परिवारों के सदस्यों की नोटबंदी के चलते लाइनों में खड़े होकर मृत्यु भी हो गई है, जिस कारण सरकार के खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए। कांग्रेसी वर्गों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ऐसे ही विरोध होते रहेंगे। ये मोदी सरकार ने जो नोटबंदी की है, जिहदे नाल साडा हरेक वर्ग, मजदूर वर्ग तो लैके व्यापारी वर्ग तक जो अज बहुत परेशान है, तंग है। लोग सवेर तो आके लाइनों के बैंकों के बुरे खड़ जाते हैं, जो शाम को 2000 रुपया किसी ATM चो निकलता है, नहीं तो उत्थे कुछ तो दोपहर तो बाद उत्थे लग जाता भी कैश खत्म होया है। इस करके अज हरेक वर्ग, मजदूर वर्ग जो मजदूरी करता है वह मजदूरी करे कि बैंकों में खड़ के पैसे लवे बैंकों के, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग बहुत बुरा हाल हो गया। अज इस नोटबंदी कारण किसानों का बहुत बुरा हाल होया। किसानों दे फसलों के भाव मिल नहीं रहे, जिहड़ियां सब्जियां सी किसानां दीआं खेतां दे विच रुल गईआं, इह नोट बंद होण करके पैसा नहीं मिलिया। इस करके असीं अज कांग्रेस पार्टी वल्लों मोदी दे खिलाफ़ असीं अज प्रदर्शन कीता। असीं चाहुंदे हां वी मोदी सरकार इस ते गौर करे और लोकां दा भला करे। ये मन की बात कहण वाला, लोकां दे मनां दे विच वड़न वाला बंदा अज लोकां दे मनां नूं तंग करके लोकां दे हाहाकार मचाती ने सारे हिंदुस्तान दे विच।